हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो पेंशन को लेकर के है, बुढ़ापे की अवस्था को लेकर के है। तो दोस्तों कुछ सवाल हैं जो कि अगर आप उनके जवाब दे पाए तो आप तैयार हो जाएंगे अपनी पेंशन और बुढ़ापे के लिए बचत के ओर। तो दोस्तों चलिए कुछ सवालों के जवाब आप अपने मन में सोचिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दोस्तों पहला सवाल है कि अगर आज से ही आप 5 से 10 हजार रुपए अपने बुढ़ापे के लिए बचाने लगेंगे तो क्या आपके पुत्र या पुत्री आपको रोकेंगे उस चीज के लिए? तो इसका जवाब आपको देना है हाँ और ना में अपने ही मन में। दूसरा सवाल ये आता है कि जब आप 60 वर्ष के आसपास पहुंच जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे और आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी पेंशन या फंड नहीं होगा तो क्या आप 5 और 10 हजार रुपए अपने बच्चों से लेंगे और वो आपको क्या दे पाएंगे? तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बुढ़ापे में आप अपने बच्चों से पैसे मांगेंगे? चौथा सवाल दोस्तों, क्या आपने कोई प्रावधान कर रखा है अपने पेंशन और बुढ़ापे के लिए? पांचवा, क्या अब आपको लगता है कि आपको एक पेंशन और बुढ़ापे के लिए फंड की जरूरत है? तो दोस्तों ये जो सवाल थे पांच, इसमें आपको पता चल गया होगा कि आपको पेंशन फंड क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्यों लेना चाहिए, तो पहला जो कारण है कि बुढ़ापे में आपको कोई भी लोन नहीं देगा बैंक। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सीनियर सिटीजन को लोन नहीं देता है। दूसरा कि किसी के आगे आपको झुकना नहीं पड़ेगा अगर आपने कोई पेंशन फंड ले रखा है। तीसरा, बच्चों से आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आपका स्वाभिमान और सम्मान दोनों ही बना रहेगा। तो दोस्तों क्या अपने बजट के हिसाब से आप रोजाना या महीने में कुछ बचाना चाहते हैं? तो आपको कई सारे पेंशन फंड और प्लान मिल जाएंगे। कुछ पेंशन और फंड प्लान के लिंक मैं आपको वीडियो के लिंक नीचे दे दूंगा जो कि LIC से रिलेटेड है, और आपके जो पेंशन है वो काफी अच्छी बन जाएगी अगर आप आज से ही अपने लिए कुछ बचाना शुरू करेंगे। यानी भविष्य में आपको एक अच्छी इनकम मिल जाएगी बुढ़ापे के समय। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में प्लान है, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं पेंशन के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।